दोस्तों आज हम एक ऐसा टैबलेट देखने वाले हैं जो चलता है दो दो ओएस पे, विंडोज 10 पर भी और एंड्रॉयड पर भी। तो काफी अमेजिंग होने वाला है। ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है banggood.com से, तो आप इसे वहां से परचेस कर सकते हैं और इसका प्राइस है सिर्फ 10,000 रुपये। तो बॉक्स को हम अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कन्वर्टर मिल जाता है, जिससे आप अगर आपको बाई चांस चाइना का प्लग मिल गया तो उसे आप इंडियन प्लग में कन्वर्ट करके अपने टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं। तो आपको ये काफी अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। इसी साथ यहां पे एक कंपार्टमेंट है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, इसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी पावर केबल देखने को मिलती है, जिससे आप चार्ज कर सकते हैं अपने टैबलेट को, क्योंकि इसमें यूएसबी टाइप सी पोर्ट है तो आप यूएसबी टाइप सी केबल से चार्ज कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पे आपको पावर अडैप्टर, एक पावर ब्रिक देखने को मिल जाता है। यह फास्ट चार्जर नहीं है, तो यहां पर जो रेटिंग है वो सिंपल सी रेटिंग है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास एक फास्ट चार्जर है, एक फास्ट अडैप्टर है, तो आप उसे यूज करके टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट यहां पर फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। टैबलेट है चूवी कंपनी का, तो इसका नाम है हाई 10 प्रो टैबलेट। तो ये डुअल ओएस टैबलेट है। पहले ये टैबलेट आती थी रीमिक्स ओएस प्लस विंडोज 10 के साथ, बट अब आती है एंड्रॉयड और विंडोज 10 के साथ, क्योंकि रीमिक्स ओएस कोई ज्यादा सेंस नहीं रखता, तो इस वजह से एंड्रॉयड ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरी ओपिनियन में। तो यहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, यूजर गाइड है, तो आप इसे देख सकते हैं, देखना चाहे तो, वैसे जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं और जो अपने टैबलेट है उसको प्लास्टिक रैप से निकाल लेते हैं। तो ये थर्माकोल रैप है, उसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है, तो इसको भी मैं यहां से पील ऑफ कर देता हूं। तो इसको निकालने के बाद अब मैं आपको टैबलेट का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूं। तो आपको साइड में सबसे पहले 3.5 mm जैक मिलता है, माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है, माइक्रोफोन होल मिलता है यूएसबी टाइप सी चार्ज करने के लिए, और एक मिनी HDMI केबल मिलती है, साथ ही में SD कार्ड, और यहां पे आपको स्पीकर भी देखने को मिलता है। स्पीकर की क्वालिटी आप सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हमारे बीच। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिडजेट स्पिनर फोन की, और मेरे पास यहाँ पे तो आपने देखा स्पीकर उतना खास नहीं है। तो राइट साइड में आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफी टैक्टाइल हैं, मेटालिक फिनिश्ड हैं। तो इसी के साथ आपको नीचे की तरफ यहाँ पे यूएसबी कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए डॉक मिल जाता है, तो आप इसे कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ में कीबोर्ड नहीं आता, आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। जो टैबलेट है वो इतना भी थिक नहीं है, ठीक ठाक है, अब नॉर्मल जो टैबलेट होता है कुछ कुछ वैसा ही है। पीछे पूरा मेटल फिनिश्ड है, आप देख सकते हैं, ब्रश्ड मेटल फिनिश्ड है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और टच करने में भी आपको पसंद आएगा। ऊपर 2 MP का ऑटो फोकस कैमरा है और चूवी की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो है फुल HD डिस्प्ले, 1920x1200 pixels की डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है जो रेजोल्यूशन है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं जो टैबलेट है ये 10.1 इंचज का है। तो अब इसने यहाँ पे पूछ लिया है कि मुझे एंड्रॉयड में बूट करना है या फिर विंडोज़ में। तो पहले मैं आपको इसको विंडोज़ सेक्शन दिखाऊंगा, फिर उसके बाद एंड्रॉयड। अब आप देख सकते हैं हम विंडोज़ 10 में बूट हो गए हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे फीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं इस विंडोज़ में, और ये कोई पायरेटेड विंडो नहीं है, ये ओरिजिनल विंडो 10 की कॉपी आपको मिल रही है। विंडो फुली एक्टिवेटेड है और इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है इस विंडो को लेकर तो आप वो अपडेट डायरेक्टली कर पाएंगे, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं वो चीज़ आप यहाँ पर नॉर्मली कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में, तो आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 है। जो हार्डवेयर है इसमें वो यूज़ करा गया इंटेल का X5 एटम प्रोसेसर, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है टैबलेट्स के लिए, और ये बेसिकली डुअल ओएस वाले टैबलेट्स के लिए ही बनाया जाता है जो एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों को हैंडल कर ले। इसमें 4 GB की रैम दी गई है और ये काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल कर लेता है दोनों साइड ही। यहाँ पर जो कैपेसिटी दी गई है विंडोज़ सेक्शन के लिए वो है 42 GB के आसपास, क्योंकि ओवरऑल टैबलेट की जो कैपेसिटी है वो है 64 GB, जिसमें से विंडोज़ को मिलती है 42 GB, बाकी की 10 GB के आसपास आपको मिलती है एंड्रॉयड में, क्योंकि एंड्रॉयड इसे लोग कम यूज़ करने वाले हैं। विंडोज़ मैंने भी ज़्यादा यूज़ करा, विंडोज़ ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल तो एंड्रॉयड भी है लेकिन विंडोज़ मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आपको फुल्ली वर्किंग विंडोज़ मिल जाती है अपने हाथ में और काफ़ी पोर्टेबल है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ब्राउज करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब वगैरह जैसी वेबसाइट्स आपको चला करके दिखाऊंगा, आपको अंदाजा लग पाएगा कि कितनी आसानी से ये हैंडल करता है वेबसाइट्स जहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं चीज़ें। यहाँ पर आप चाहें तो एडिशनल कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, जो इसके साथ आप परचेज कर सकते हैं अगर चाहें तो कॉम्बो में, बट फिर इसकी कीमत तकरीबन 14,000 रुपये हो जाएगी, बट अभी आप खरीदेंगे तो आपको नॉर्मली बिना उसके सस्ता पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाऊँ यूट्यूब पर तो
काफ़ी अच्छे से वीडियोस चल रही हैं, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही, और फुल एचडी डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत क्रिस्प है, 170 डिग्री इसके व्यूइंग एंगल्स हैं, तो आपको हर तरीके से ये डिस्प्ले दिख जाएगी, बिल्कुल भी फेड नहीं होने वाली। तो यहाँ पे मैं अगर कोई वीडियो चलाता हूँ वीएलसी मीडिया प्लेयर में, जैसे कि मैंने बोला ये विंडोज 10 है, तो यहाँ पे सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर चलेंगे, गेम्स भी चलेंगी, तो बट इतनी हैवी गेम्स नहीं चल पाएंगी क्योंकि उसकी एक तो हार्ड ड्राइव काफ़ी कम है, सिर्फ 42 GB, बट जो छोटी मोटी गेम है वो चल जाएंगी। आप चाहे तो ब्लूटूथ कंट्रोलर से कनेक्ट करके गेम्स खेल सकते हैं, या फिर एडिशनल कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, या तो यूएसबी टाइप सी वाला जो डोंगल आता है उससे कनेक्ट करके आप अपना यूएसबी माइक्रोफोन ओटीजी केबल के थ्रू कोई भी यूएसबी कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके गेम्स खेल सकते हैं। इसमें कोटाना का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, जो कि एक वॉइस असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट की तरह का विंडोज 10 में। तो अब हम बूट करते हैं एंड्रॉइड में और इस टैबलेट के सारे फीचर्स समझा देता हूं। तो अब हम बूट हो गए हैं एंड्रॉइड में और आप देख सकते हैं काफी बदल गया है पूरा टैबलेट, क्योंकि अभी तक विंडोज 10 चल रही थी और अब हम इसमें यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाके अबाउट टैबलेट में जाके हम देखते हैं कि कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। तो जो एंड्रॉइड वर्जन है वो है एंड्रॉइड 5.1, पुराना है बट ठीक है, स्टेबल है, आप देख सकते हैं लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप से नूगट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि आपको डायरेक्टली टैबलेट में देखने को मिल जाएंगे, टैबलेट के लिए स्टेबल है। जो कैमरा है वो पीछे 2 MP का ऑटो फोकस कैमरा है, और जो फ्रंट कैमरा है वो आगे 2 MP का फिक्स्ड फोकस कैमरा है। तो फ्रंट कैमरा से मैं इंप्रेस नहीं हूं, बैक कैमरा से भी इंप्रेस नहीं हूं, कैमरा तो बिल्कुल घटिया है इस टैबलेट का। बट फिर भी अगर आपको एक कैमरा चाहिए, किसी से वीडियो कॉल करनी है, स्काइप पे कॉल करनी है, और अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं, तो चलो अच्छी चीज है, दिया गया है इसमें फ्रंट कैमरा, और बैक कैमरा भी 2 MP का ऑटो फोकस कैमरा है, इतना अच्छा नहीं है। गुड लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक फोटो खींच सकते हो, बट ओवर एक्सपोज्ड फोटोज आती हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये तो नॉर्मल सी लाइटिंग में फोटो खींचा है, बट ISO बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, जिसकी वजह से आपको नॉइस देखने को मिल जाती है। तो यहां पे मैं आपको और चीजें दिखा देता हूं, जैसे इसका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपको यहां पे देखने को मिल जाता है कि इसमें 4 कोर्स यानी कि क्वाड कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ जो इंटेल का X5 प्रोसेसर यूज करा गया है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी लाइफ मेरे को इसकी मिली 3 घंटे, मैंने इसको कल पूरा यूज करा है एक दिन, तो मुझे 3 घंटे कंटिन्यूस ये चल गया है, और मैंने विंडोज पे यूज करा था, एंड्रॉइड पे मैंने टेस्ट नहीं करी, बट एंड्रॉइड पे भी आपको 4 घंटे के आसपास तो इसका बैटरी टाइम मिल जाना चाहिए। इसमें आप नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं एंड्रॉइड में। विंडोज़ में मैंने आपको गेम्स इसलिए शो नहीं करी क्योंकि अगर मैं विंडोज़ में गेम डाउनलोड करता तो जो हार्ड ड्राइव है वो पूरी फिल हो जाती, क्योंकि सिर्फ 40 GB हार्ड ड्राइव आपको मिलती है विंडोज़ की तरफ, अदरवाइज आप उसमें भी नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं सबवे सर्फर्स मैं खेल रहा हूं एंड्रॉइड पे, और बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही और काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं एक और गेम जो थोड़ी इससे हाईली इंटेंसिव है, तो ये है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस, और ये गेम आप देख सकते हैं काफ़ी हाईली ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, काफ़ी अच्छे से चल रही है, और यहां पे बिल्कुल भी आपको लैग देखने को नहीं मिल रहा। तो अच्छी चीज है, आप यहां पे गेम्स खेल सकते हैं। और एंड्रॉइड में आपको जो कैपेसिटी फ्री मिलती है, जो स्टोरेज मिलती है, वो है 11 GB के आसपास, 10-10.5 GB के आसपास आपको फ्री मिल जाती है। तो मतलब वही समझ लीजिए कि 16 GB का फोन है अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको 40 GB मिल जाती है। तो आप उसमें लिमिटेड स्टोरेज में कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो दोस्तों ये था डुअल ओएस वाला टैबलेट, इसकी जो कीमत है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, और आप इसे परचेज कर सकते हैं Banggood.com से। तो आई होप मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे आप कैरी कर सकते हैं और अपना विंडोज़ का और एंड्रॉयड का दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।